नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। उत्तराखंड में बारिश ने कहर मचा रखा है। इस बार के मॉनसून ने तो लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। एक महीने के अंदर ही पूरा उत्तराखंड पानी से लबालब भर चुका है। कई इलाकों में ये भीषण बारिश ने सैलाब लाकर कोहराम मचा दिया है। हर हफ्ते पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के वासियों के लिए ये बारिश मुसीबत बनकर खड़ी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून में मौसम को लेकर फिर एक निर्देश जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार यानी आज से अगले 4 दिनों तक मौसम काफी खराब रहेगा और लगातार बारिश पड़ने के आसार है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के सभी जिलों में अगले 4 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सभी लोग आने वाले 4 दिनों तक सावधानी बरते। बता रहे कि पिछले कुछ हफ्तों से पड़ रही बारिश ने ही देहरादून की सड़कों को नाले में तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से सभी नगरवासी काफी परेशान हैं। पूरे शहर के नाले उफान पर हैं और कामकाज में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में ये 4 दिन का अलर्ट लोगों के चेहरे पर और मायूसी ला सकता है। जहां एक ओर लोग मानसून की शुरुआत में बारिश का आनंद ले रहे थे, तो वहीं अब बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं। वही मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 22 से 25 जुलाई तक कुमाऊं और गढ़वाल में कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो सकती हैं। इसी के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम की अपडेट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।